वीडियो शुरू होने से पहले ही बोल देता हूँ कि अगर आपको बुरा व्लॉग देखने से उल्टी आती है तो ये व्लॉग मत देखना, क्योंकि मेरे को एकदम व्लॉगिंग नहीं आती और मैं कुछ भी कर रहा था, तो डोंट ब्लेम मी। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज अच्छा मैं ना मास्क उतार लेता हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं कोलकाता में, एक बुक फेयर टाइप का होने वाला है, किताब लवर्स नाम का है वो, होने वाला है बालीगंज, जो कि मेरे घर से, हाँ भाई आवाज़ कर ले भाई, जो कि मेरे घर से थोड़ा बहुत दूर है। तो मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त लियोन के साथ। लियोन को तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर आप लोग मेरे को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो। फिर लेट्स गो भाई, अबे ये था अरे पैसा ने सोचा ना भाई। यो तो अभी हम लोग है ज्यादा नाम की बोल ना जाएंगे तो नाम बोल। अरे भाई ये देखो गाइस, मेरे साथ आ गया ये भोंदू सा लड़का, और मुझे पता नहीं मेरा ऑडियो कैसा आ रहा होगा आप लोग को, क्योंकि मैं भाई कोई माइक वाइक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, फ़ोन का ही माइक है जो भाई जितना जैसा चल रहा है। तो अभी हम लोग लाइक एक 2.5 किलोमीटर का वॉक लेने वाले हैं यहाँ से, अराउंड 2.5 किलोमीटर से, तो वहाँ तक थोड़ा सा चल लेंगे हम लोग, पतले हो जाएंगे। जितना कम लगता है उतना कम नहीं है ये। हाँ भाई भाई लाइक बहुत ज़्यादा है, और भाई ये तो कतई बहुत अमीरों वाली जगह है भाई, यहाँ पे एक दुकान एक से बढ़कर एक है भाई, घुसने तक का पैसा नहीं है हम लोग के पास। तो चलो अभी वॉक कंप्लीट करके वहाँ पे जाके ब्लॉक करता हूँ एनू। और गाइस मैंने ना कभी व्लॉगिंग की नहीं है, तो मेरे को लाइक बहुत शाइनेस टाइप का हो रहा है कि कैसे वीडियो बनेगा एंड ऑल। और भाई कतई स्टेबल हाथ है मेरा, तो दिख ही रहा होगा आप लोग को। तो चलो अभी चलते हैं भाई, फालतू का बकवास नहीं करूँगा अभी। तो भाई मैं अंदर तो गया था लेकिन व्लॉग नहीं कर पाया, क्योंकि भाई इनफ कॉन्फिडेंस नहीं मिला भाई, बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा भीड़ था, और उसमें लाइक मेरा सारा लोग जा हाँ, तो इतने सारे लोगों के बीच में मुझे लाइक कॉन्फिडेंस ही नहीं मिला कि मैं रिकॉर्ड करूँ एंड ऑल। तो भाई अभी बाहर आ गए, इस बैग में पूरा भरती बुक्स है, किताबें, 1000 रुपये उड़ा दिए हम लोगों ने, एक पूरा बॉक्स भर लिया। सर आपको कुछ कहना है सर? नहीं भाई। क्यों सर? पैर दर्द कर रहा है। पैर भाई मैंने तो पूरा लाइक अंदर जो किताबों का बक्सा होता है वो मैं पूरा लेके, हाँ भाई वही नहीं क्या क्या ही बोल रहा हूँ मैं, हाँ वही वो मैं सिर्फ बुक सिलेक्ट कर रहा था, इसके हाथ में मैंने बॉक्स थमा दिया भाई, सब यही कर रहा था, लिटरली सारे बॉक्सेस ये पकड़ के लेके आ रहा था। थैंक यू सो मच ब्रदर, मेंशन नॉट और इस भाई इसका तो मास्क ही फट गया था अंदर घुसने से पहले, फिर हम दोनों ने जैगुआर लगा के ठीक किया, जुगाड़ लगा के ठीक किया। अभी हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, सोच रहे कि कहाँ पे लंच करने जाए हम लोग एक्चुअली। और डोंट माइंड माई ब्लॉगिंग स्किल्स, मैं अपने मुंह के इतने पास ही पकड़ रहा हूँ कैमरा। ओए नहीं मैंने गाली दे दिया। तो भाई मैं आया हूँ तो दिखाई देता हूँ कहाँ पे आया हूँ। तो ये भाई बस चला जाए वरना मेरे को कुचल के चला जाएगा, क्या पता। यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, ये वाला हमने लिया है क्योंकि मैं रेगुलर रीडर नहीं हूँ उतना, पहली बार ये सब खरीद रहा हूँ बुक्स एंड ऑल, ताकि पढ़ाई कर पाऊँ। और ये लंडा मेरा पिक्चर लेके अभी ग्रुप में डाला गया, और ये देखो भाई इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में हुआ था भाई, कतई एकदम रॉयल जगह था। चलने में जो मज़ा है ना बोल, एकदम कुशन था फ्लोर में, नहीं कुशन नहीं उसको क्या कहते हैं, कारपेट, कारपेट हाँ कारपेट था, कुशन नहीं था, कुशन पे कौन चलता है। भाई एंड में जाके हम जमीन पे ही बैठ के अपना बुक्स अरेंज कर रहे थे, और भाई हम लोगों ने थोड़ा सा स्कैम भी किया है, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो अभी कहाँ जाएगा बोल, कोरियन रेस्टोरेंट या कहाँ पे जाना पड़ेगा, लंच करके घर भी वापस जाना है भाई। इसकी तो भाई फट रही है, इसकी मम्मी कब कॉल करके बोलेगी जल्दी आओ अभी घर आओ एंड ऑल, बेचारा क्या ही कर सकते, बच्चा ही तो है। तो भाई अभी हम लोग है ओला में, ठीक है यहाँ से लाइक वो, अरे फोकस ही नहीं हुआ भाई, प्रोफेशनल व्लॉगर ओनली ओके।
तो अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा सा दूर है, अभी पैर में इतना दर्द है कि हम लोग सोच रहे कि ओला ले लेंगे, तो अभी ओला में हाँ ले भी लिया एक्चुअली में, तो अभी थोड़ी सी ना कि थोड़ी देर में ही हम लोग पहुँच जाएंगे, तो सी यू। हाँ ट्रैफिक रिकॉर्ड। ओ ओ सिनेमैटिक मोशन बेके बेके। ओ ठीक है तो यहाँ पे ठूसा जा रहा है गाइस, आई कैन नॉट लाइक मतलब मैं ज़ोर से बात नहीं कर सकता क्योंकि भाई मेरे को बहुत सारा बाड़ी है, तो ये देख लो। और ये है रेस्टोरेंट का एनवायरनमेंट, देख लो गाइस यहाँ पे कुछ तो लूप पे के ड्रामा चल रहा है। हेलो रिकॉर्ड हो डिलीट कर। तो गाइस अभी हो गया खाना पीना डन, अभी हम लोग हैं कहाँ पे बोल, मेट्रो स्टेशन विंडरसन। अब बाद में बोलना भाई मेरा आँख का क्या हाल हो गया। अबे ये सब नहीं दिखाना होता है, प्रो व्लॉगर्स हम लोग। तो गाइस अभी खाना पीना डन, बिल भी बहुत बड़ा हो गया, इसने एक पैसा भी नहीं दिया। स्टेशन पे आते ही फर्स्ट ट्रेन हमारा मिस हो गया। अबे ये झूठ कैसे भाग तू। तो भाई उसके बाद मेट्रो एक स्टेशन में आ गया था, ये लौंडा सीढ़ियों से उतर ही नहीं पा रहा था। व्हाट ट्रेन यहाँ पे कितनी देर आके खड़ा था भाई, झूठ मत बोल। मैं तेरी ओर देखा फिर दरवाजा बंद गई, आते आते दरवाजा बंद हो गया, तो मैं क्या नहीं तू आया क्यों नहीं, हाउ डेयर यू भाई, ये लड़का बहुत खजाब है भाई। भाई सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी। एटा की कोची भाई, ये बंदा भाई हर टाइम फ्रस्ट्रेटेड रहता है भाई, इसके साथ निकलना इज लाइक पैनिक। चलो भाई अभी हम लोग जाएंगे, हमें बस स्मार्ट कार्ड का बार कर। चलो 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 पलटा भाई साहब, ये बस इतना स्लो क्यों जाता है, और वहाँ पे देख सकते हो आप लोग हमारा लियोन। कतई ऐसे लौट आएगा, कतई ऐसे लौट। अभी तो मैं भाई टायर्ड है झेलो भाई, मतलब इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, इतना चल दिया आज, फिर खाना भी ठीक था, अच्छा ही था बेसिकली। और अभी मेरा एक और ट्यूशन है, आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू मेक इट। अभी 5 बज रहे हैं और मेरा 5 बजे ट्यूशन है, मुझे घर जाके फिर बुक्स लेके जाना पड़ेगा ट्यूशन, मतलब बेसिकली नहीं हो पाएगा, ख़राब लग रहा है ब्रो। और मुझे अभी अभी याद है, मुझे पापा ने मेरे इंस्टीट्यूशन में जाने बोला था, आकाश में मैं पढ़ता हूँ, तो मैं जाना ही भूल गया भाई, अब मेरा क्या होगा भाई, घर जाके पिटाई पड़ेगी ऊपर से। ठीक है कोई ना, मैं घर जाके आप लोग को दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा। ओके हेड ओके। और इसी के साथ आ गए हम लोग ऑलमोस्ट घर, यहाँ से थोड़ा सा वॉक लेके पहुँच जाएंगे हम लोग। मैंने उस कोरियन रेस्टोरेंट से कुछ खरीदा भैया, ठीक है, तो वो मैं अपने बहन के लिए लाया बेसिकली, बहन और मम्मी के लिए, तो देखते हैं उनको कैसा लगता है, मैं भी थोड़ा टेस्ट करूँगा भाई। इतना सा ब्रेड है, ठीक है, इतना सा साइज़ है, लाइक रफली उसका डायमीटर बोल रहा हूँ मैं, सर्कुलर शेप का है, क्या रेड बिन बन कुछ तो ऐसा नाम है भाई। उसका प्राइस 95 रुपीज़, आर यू किडिंग मी, क्या ही बोलूँ भाई, भाई फोकट का बहुत पैसा खर्च हुआ है भाई आज तो।
क्या ही कह सकते हैं। अभी मैं घर जाके आप लोग को दिखाता हूँ कि कौन सी किताबें मैंने खरीदा। अरे मैं मास्क क्यों पहनूँ, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। उफ भाई क्या टायरिंग डे गया भाई। और ये मैं आ गया अपने घर भाई साहब। उफ क्या ही दिन था भाई, खत्म मैं पूरा एनर्जी खत्म। अभी चलो दिखाता हूँ मैंने क्या क्या खरीदा है, ठीक है? ऐसे ही दिखाएंगे हम लोग क्योंकि हम प्रो है। और वैसे जिसको भी रूम टूर चाहिए था, ये मेरा रूम का एंट्रेंस है और ये शुरू होने से पहले खत्म रूम। ये बेड है, ये इसको क्या कहते हैं मैं भूल गया, ड्रेसिंग टेबल। ये है अलमारी, ये पूरा टेबल। ये बहन का साइड है इसीलिए ये सब है, ये मेरा साइड है इसलिए ये सब है, और वो नहीं देखने का, ठीक है? ये मेरे बचपन का फोटो है एक, ये सब है। आई एम नॉट रिलीजियस एट ऑल बाय द वे। ये रहे मेरे रूबिक्स क्यूब, ये बहुत दिनों से अनसॉल्वड पड़ा हुआ है क्योंकि भाई बहुत एनर्जी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलो अभी दिखाता हूँ मैं किताबें क्या क्या लाया हूँ। मुझे एक्चुअली में कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा बुक क्या होता है एंड ऑल, तो डोंट जज। वैसे ये मुझे मिला है बीबीके वाइन्स का जो यूथ ऐप है उसका कैलेंडर। अच्छा मैंने एक्चुअली अच्छे से दिखाता हूँ, वेट। तो ये सब बुक्स खरीदा है मैंने, आई हैव नो आइडिया कि कौन सा बुक क्या रिलेटेड, मतलब क्यों मैंने खरीदा है। मेरे को बस नाम अच्छा लगा और पीछे ये पढ़ के अच्छा लगा तो मैंने ले लिया बस। जो लोग बहुत हैवी रीडर होते हैं भाई उन लोग का पता होगा कि कौन सा बुक खरीदना चाहिए एंड ऑल, लेकिन मेरे को आइडिया नहीं है उतना। तो मेरे को जो अच्छा लगा मैं ले आया। अभी इसके बाद से आई विल लाइक, अगर मेरे को अच्छा लगता है कि आई मेक दिस माई हॉबी, तो फिर थोड़ा और रिसर्च करके बुक्स खरीद देंगे होपफुली। और तब आप लोग को कॉलेज स्ट्रीट का व्लॉग मिलेगा क्योंकि कॉलेज स्ट्रीट में भाई बुक्स का बहुत अच्छा मार्केट है, यूज बुक्स मिलते हैं बहुत सस्ते सस्ते। और मेरे को ऑनेस्टली कॉस्टली बुक्स खरीदना पसंद नहीं है, मतलब कॉस्टली चीज़ें। तो ये जो सब बुक्स है ये सब मैंने खरीदा फॉर 999 रुपीज, विच इज़ आई थिंक गुड, क्योंकि यहाँ पे कुछ बुक्स का प्राइस, ये देखो ये 195 है, ठीक है? ये देखते हैं 10 यूरो है, नहीं 11 यूरो है, 11 यूरो आई गेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हाइट नहीं बोल सकता मैं। फिर ये कितने का है भाई, प्राइस ही नहीं लिखा है, व्हाट द हेक भाई, कहाँ पे लिखा है? ओके प्राइस ही नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया। फिर ये सब बुक्स भाई बहुत कॉस्टली कॉस्टली है, ठीक है? तो आई थिंक दिस इज वर्थ इट, अभी पढ़ के मैं बताऊंगा किसी वीडियो में। तो फिर आज के इस वीडियो के लिए बस इतने, मुझे अभी फिर से बाजार जाना पड़ेगा। वो आज क्या है कि संक्रांति कहते हैं बंगाली में, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या होता है, तो वो है। तो उसके लिए मम्मी सब चीज़ें बनाएंगी, पीठा बनाएंगी, पीठा पीठा को हिंदी में क्या बोलते हैं, आई हैव नो आइडिया। तो चलो गाइस आज के वीडियो, अरे प्रोफेशनल ब्लॉगर हो भी। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतने, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं फिर से बोल देता हूँ, मुझे व्लॉगिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, मुझे एकदम नहीं आता व्लॉगिंग, बट आई एम ट्राइंग टू डू इट। और बस मैं उतना फिल्म नहीं कर पाया बाहर क्योंकि आई हैव नो आइडिया कि लोग क्या सोचेंगे, एंड लोग देख रहे थे लिटरली, मैं ऐसे ही जब वीडियो कर रहा था। तो मुझे नहीं चाहिए कि भाई मैं टेंशन कैच करूँ या वैसा कुछ। तो चलो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना, भाई मैं मोटा हो गया, चलो भाई। आमी बृष्टि होते पारि जदि तुमि भिजते चाओ, आमी पाल्टे दीते पारि स्वप्न देखार आकाशटाओ।